चुप रहना या शांत रहना अनेक समस्याओं का हल, तनाव घटाने और एकाग्रता बढ़ाने समेत 9 फायदे। मेडिटेशन और ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाना का एक बेहतरीन तरीका है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्म और संस्कृति में शांत और मौन रहने को महत्व दिया गया है। चाहे आप इसे धार्मिक नाम दें या जीना का एक तरीका माने, लेकिन दिन भर में कुछ समय तक शांत रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। कई साइकोलॉजिस्ट भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने, मन की शांति और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कुछ मिनट मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय मौन या चुप रहते हैं तो हमें खुद से बात करने का मौका मिलता है, हम चिंतन मनन करते हैं जिससे हमारा मन शांत होता है, दिमाग रिलैक्स रहता है और हमारा दिमाग नई ऊर्जा और विचारों से भरता है। चलिए आपको बताते हैं चुप या मौन रहने के 9 फायदे। दिमाग बेहतर काम करता है, तनाव वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं, ब्रेन सेल्स बनती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं, दिमाग के लिए है एक्सरसाइज, पॉजिटिव विचारों का संचार, एक अच्छे श्रोता और समीक्षक। कैसे रखें खुद को कुछ मिनटों के लिए मौन। 1. दिमाग बेहतर काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। इसके लिए दिन भर में सिर्फ 3 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंडा तो रहता ही है, आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार होता है। 2. तनाव वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है, इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। 3. ब्रेन सेल्स बनती हैं। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती हैं और उनका पुनर्निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। 4. क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, इस वजह से हम शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खोने लगता है। इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है। हम में सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। 5. परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह ये है कि मुश्किल परिस्थिति में वो अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इस कारण वो परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। 6. दिमाग के लिए है एक्सरसाइज। हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करवाएं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उनकी ताकत बढ़ाना जरूरी है। मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही है और इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती हैं। 7. पॉजिटिव विचारों का संचार। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर की अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। इसीलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। 8. एक अच्छे श्रोता और समीक्षक। चुप रहना और कुछ समय तक खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इससे आप पूरे तर्क और वितर्कों को जानने के बाद सही फैसला ले पाते हैं। आप सभी पक्षों को सुनते, समझते और डिसीजन ले पाते हैं। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है और आपको लॉजिकल समीक्षक बनाता है। कैसे रखें खुद को कुछ मिनटों के लिए मौन। मौन रहने के लिए लोग बहुत तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ भगवान के नाम का जाप करते हैं, कुछ आपके कृत्यों का विश्लेषण करते, वहीं कुछ लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं खुद को खुद से जोड़ते हुए मौन धारण करने के कुछ आसान तरीके। माइंडफुलनेस एक बेहतरीन मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो आपको शांत रखने के साथ ही एंग्जायटी और दिमाग को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके लिए आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं। 1.
सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए मूंद लें। 2. अब अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस के उठने और गिरने की गति पर ध्यान दें और अपना दिमाग बाहरी शोर से दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें। 3. अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके पूरे शरीर को शांत करता है, दिमाग में रक्त संचार बढ़ाता है और तनाव दूर करने में मददगार होता है। 4. खुद को शांत करते हुए अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर स्कैन करना भी फायदेमंद साबित होता है। इससे आपको अपने शरीर के बारे में बेहतर समझ में आता है। इससे आपके दिमाग और शरीर के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होता है।